अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नायका सफ़र। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आई एम ऑल्सो फाइन। सो फ्रेंड्स, टुडे इज़ 3 अप्रैल एंड द डे इज़ मंडे। एंड अभी जो टाइम है ना वो 2:25 हो रहा है। बस आज का ब्लॉग इतना लेट से स्टार्ट हुआ है क्योंकि हुआ ये कि रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी तो सो नहीं पाई। बस सहरी करके जब सो गई तो 11 बजे आँख खुली क्योंकि रात भर नहीं सो पाई थी। और रोज़ा भी तो हूँ तो इसलिए बहुत थक भी जाती हूँ बीच में, तो इस रीज़न से ब्लॉगिंग लेट से स्टार्ट हुई है। और अभी जो है ना, जो हमारे जो घर को अभी पैटिंग हो रही है तो उसमें जो वो जो भैया काम कर रहे हैं ना, वो अंकल लोग हैं, मैं अभी खाना खाने। तो चलिए अभी मैं चल के आपको दिखाती हूँ अभी क्या कहाँ तक हो चुका है काम। तो बस अभी मैं आ गई हूँ बाहर। तो बस जा रही थी बाहर तो वो जो अंकल है ना वो वापस आ चुके हैं, तो फिर अब अच्छा नहीं लग रहा है जाने में, तो इसलिए मैं आपको वो बाद में दिखाऊंगी। अभी जो है ना, मैं आपको बता दूँ, जिस रूम में मेरा अभी बुक सब है उस रूम में ही ना मेरा वो पूरा वही रूम अभी प्लास्टर हो रहा है। मैं इस रूम में आ गई हूँ, ये वाला जो रूम था, ये वाला दीवार पीछे से कल हुआ था और आज जो है ना ये वाला जो वॉल है, ये मैं आपको मोबाइल को खिड़की से निकाल के बता रही हूँ, ये वाला इस साइड वाला जो वॉल है वो हो रहा है आज। और देखिए कितनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा धूप है कि लग रहा है आदमी जल जाएगा, ऐसा यहाँ पे धूप है। और इस तरह का धूप सुबह से रहता है तो सुबह से ही कहीं भी जाने का मन नहीं होता है। अगर आप 7 बजे उठो तो 7 बजे भी इतना ही धूप रहता है जितना अभी है, तो इसलिए बहुत अजीब लगता है। और अभी जो है ना, मैं जा रही हूँ अपना सॉक्स और अपना शूज़ धोने। तो बस अब आपसे बाद में मिलूँगी, और अभी जब तक जाके जल्दी जल्दी से धो लेते हैं वरना फिर मुझे परसों पहन के भी जाना है, तो अगर अभी नहीं धोया तो फिर लेट हो जाएगा बहुत। तो अभी धूप भी है थोड़ा सा तो आज सूखेगा और कल, तो बस अभी जल्दी जल्दी से जाके धोते हैं फिर आपसे मिलते हैं। अभी जो है ना, बस अभी टाइम जो है ना 3:29, और अभी सब्जी वाले भैया आए थे तो उन्हीं से हमने जो है ना ये वाटर मेलन लिया है, ये 1 kg, ये देखिए। और अभी बाहर में ग्रेप्स ले रही है भूखी, तो बस चलते हैं बाहर। और ये देखिए अभी हमने ग्रेप्स भी खरीद लिया है और इसे अभी जो है ना मैं अंदर लेकर आ गई हूँ, तो बस अभी इसे यहाँ पे रख देते हैं। और अभी जो है ना माउंटेन ड्यू देखिए इतना ख़त्म हो चुका है, अभी इतना सा बचा हुआ है ये, तो बस अभी जो है ना इसे फ्रीज में डाल देते हैं। अभी से अगर ये फ्रीज में रहता ना तो ठीक से ठंडा भी हो जाता है उस टाइम तक, अगर वही इसे हम डीप फ्रीज में डालते हैं तो फिर उस टाइम तक ये पूरा बर्फ़ हो जाता है, तो इसलिए हम इसे अभी फ्रीज में मैंने डाला है ताकि ये ठंडा रहेगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना प्यारा सा गार्डन। और अभी जो है ना मुझे इसमें पानी भी देना है, पर अभी बहुत रोज़ा सा लग रहा है तो इसलिए अभी पानी नहीं दूंगी, कुछ देर के बाद दूंगी। ऐसे भी अभी इस साइड पर धूप भी है, बहुत ज़्यादा ही रोज़ा लग रहा है फ्रेंड्स। आज इतनी धूप है और उस धूप में इतना रोज़ा, तो बस अब सोच रही हूँ कुछ देर के लिए सो जाती हूँ, बस ट्राई कर रही हूँ सोने का, अगर नींद आ जाए तो फिर थोड़ा ठीक होगा। तो बस अब आपसे बाद में मिलते हैं, अभी बहुत ज़्यादा ही रोज़ा लग रहा है। अभी जो है ना इफ्तार का टाइम हो गया है, और ये देखिए फ्रेंड्स हमारी घर पे इफ्तार की तैयारी चल रही है। और बस अभी चेक करते हैं माउंटेन ड्यू हुआ या नहीं ठंडा। हाँ तो ये काफ़ी ठंडा हो चुका है और पीने में भी अब ठीक रहेगा, तो अभी फिर से इसे डाल देते हैं कुछ देर और ठंडा होने के लिए। और बस अभी कुछ इसी तरह की तैयारी चल रही है, और मैंने बोला था जिसे पानी देना है, तो बस उस टाइम सोने गई तो नींद भी नहीं आई, और फिर उसके बाद इधर उधर कर रही थी और पानी भी नहीं दिया है इन बेचारों को। और ये देखिए पता नहीं इस फूल पे क्या बैठ रहा है, ये स्पाइडर टाइप का लग रहा है, ये देखिए वाइट वाइट सा, ये वीडियो में नहीं समझ आ रहा है बट रियल में वो दिख रहा है वैसा वाइट और ब्लैक में। और
बस इसीलिए इन लोगों को पानी नहीं दिया और कितने सूखे सूखे से हो गए हैं। बस इन लोग सबको पानी देना है, बट इतना भी मन नहीं कर रहा था कि पानी दूँ तो नहीं दिया। अब इंशाल्लाह कल सुबह सुबह उठ के मुझे जाना है चौक पर, राशन लाना था तो बस उस लिए जाऊँगी कुछ सामान के लिए। और तो उस टाइम सुबह उठूँगी कल, तो फिर इन लोगों को पानी भी दे दूँगी। और ये देखिए इसमें पानी की आज कितनी अंस है ना, क्योंकि आज जो है ना ये वाला रूम प्लास्टर हो चुका है। ये देखिए इन लोगों ने ऐसा बिछा दिया था कि ताकि ज़्यादा इधर डस्ट वगैरह ना आ पाए, फिर भी थोड़ा बहुत तो वो आ ही जाता है, तो बस आ गया। और आज इस रूम का पूरा हो चुका है प्लास्टर। और अब जो हमारा रूम है उस साइड से जो उधर के बाथरूम तक का दीवार है ना, तो बाहर का जो एक बाथरूम है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं कल दिखा दूँगी या फिर आज ही, तो उस दीवार तक ना, मतलब कि वहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये मेरे रूम का हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा अलग से उधर बाथरूम साइड का है, तो उस सब साइड पे, तो इन दोनों साइड का 2 दिन लग जाएगा तकरीबन। तो अभी कल और परसों तक में ये इस साइड का जो है ना, इस साइड का पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और फिर मैं पता नहीं इधर से होगा या उस साइड से होगा पैटिंग, तो जिस साइड से भी होगा फिर वो मैं आपको तो बाद में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये देखिए अभी बाहर में सीमेंट सभी रखे हुए हैं, और अभी जो हमारे घर का माहौल है ना, कुछ अजीब ही हो चुका है। और ये देखिए अभी जो है ना यहाँ पे वाटर, ये देखिए यहाँ पे जो है ना वाटर मेलन कट हो रहा है, ये देखिए। तो कुछ इस तरीके से अभी इफ्तार की तैयारी चल रही है, जो बस अब आपसे मिलते हैं बाद में, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो फ्रेंड्स, इफ्तार में हर दिन तो वही डेली रूटीन की चीज़ें रहती हैं, तो वो दिखाओ ना दिखाओ बात बराबर ही रह जाता है। तो आज का ब्लॉग का एंडिंग टाइम हो गया है, और अभी जो है ना आज कुछ वैसा दिखाया नहीं, और अभी बस नेट लगाने भी जा रही हूँ। बिकॉज ये हुआ ना कि हम जो मेरे बगल वाला जो रूम है, हमने उसे खाली किया है, क्योंकि उस रूम में जिस तरह हमारे रूम में पक्का है उस तरह होगा, तो कल उसी में बस आज सामान निकाल रही थी। तो बस आज का ब्लॉग इधर एंड हो रहा है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, और अगर उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर।